अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है, काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें नेस्टिंग मटेरियल बर्ड्स के लिए क्या यूज़ करवाया जाए जिससे वो नेस्टिंग भी कमाल की करें, ठीक है, और नेस्टिंग मटेरियल भी अच्छा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, और जैसा कि मैंने आपको बटेर वाली वीडियो में बताया था कि मैं इनका नेस्टिंग बॉक्स तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अर्जी तौर पर बनाया था, क्योंकि बारिश यहाँ से जब आती थी सारा उनके अंडे पानी के में भीग जाते थे। तो अभी अभी मैंने पिंजरे की सफाई की है, ये अपने केज की देख सकते हैं, धोया नहीं है, सिर्फ मैंने साफ़ किया यहाँ से। और अभी अभी कीड़ियाँ घूम रही थी, मैंने ये स्प्रे कर दिया मोर्टीन का, और यहाँ पे कीड़ियाँ भी सारी ऊपर से मर के गिर गई थी, ठीक है। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो वीडियो चुनने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने 4 ईंटें रखे, इसको इतना ऊँचा किया तकरीबन, ये आप देख सकते हैं 2 उंगलियों के बराबर है मेरा, ठीक है। इसको मैंने तकरीबन इतना ऊंचा किया, अगर पानी आएगा अभी तो इतना आएगा, इतना तो ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। और ये मैंने 2 ईंटें और 2 टाइलें रख के इतना ऊंचा कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इधर से ये किया, इधर से ऊंचा किया, और इसके ऊपर मैं इस तरीके का फट्टा भी रख दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और ये माशाल्लाह चेक करें आप, हमारे जो बटेर क्वील का नेस्टिंग बॉक्स है वो तैयार हो गया। और इसके आगे जो है मैं ईंट वगैरह रख दूँगा इस तरीके से। अभी इसको मैंने तकरीबन जो है ना आधा बंद कर देना है ऐसे, ठीक है, ताकि डब वगैरह अंदर ना जाए और घास वगैरह जो मैं चीज़ डालूँगा वो भरना है। तो चलें वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और नेस्टिंग मटीरियल की बात करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा यूज़ करवाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने इस तरीके से तैयार कर दिया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से जो है अंदर बटेर के अंदर इसके बॉक्स के नेस्टिंग बॉक्स के अंदर पानी जाएगा, ये अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये छत है इसकी, ठीक है। तो चले मैं अब आपको जो है ना नेस्टिंग बॉक्स दिखाता हूँ, और ये जो मैंने इसलिए लगाई है ताकि जो घास वगैरह वो भरना है। तो चले मैं आपको नेस्टिंग बॉक्स नेस्टिंग दिखाता हूँ कि कौन सी मैं इनको डालूँगा और कौन से अपने जो डब वगैरह को मैं डालता हूँ उनको। तो फ्रेंड्स ये है वो नेस्टिंग जो मैं अपने सारे बर्ड्स को देता हूँ, और ये देखिए बजीज़ ये खा रहे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि इनके लिए अच्छी चीज़ है। तो ये आप कभी कभार अपने बजीज़ को भी खिला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके करीब में कोई पार्क है आप वहाँ से तोड़ के ला सकते हैं, ठीक है। जो ज़मीन में उगी भी होती है वही वाली घास है, ये देखें ज़रा, ठीक है। तो कोशिश करें कि सूखी घास मिल जाए आपको इस तरीके की जो होती है, लेकिन वहाँ पर सूखी नहीं थी तो इसलिए मैं ये वाली ले आया हूँ, ये भी बड़ी कमाल की है। तो ये देखें सारे के सारे बजीज़ मेरे यहीं पर उतर गए, और वो जगह मेरी बटेर भी जाके वहाँ पे खेल रही है, सारे के सारे मेरे बजीज़ यहाँ पे उतर गए हैं, और मैं बिल्कुल पास ही बैठा हूँ, ये कुछ भी नहीं उड़ रहे हैं, ये मेरा हैंड टाइम बजीज़ है। तो चलें अंदर डालते हैं। तो इसका मैं अच्छा सा कोई नेस्टिंग बॉक्स जो है वो नेस्ट का बना के अंदर घुसाऊँगा, ताकि कोयल को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। ये मैंने घास की है, ठीक है, और इसको मैं अंदर डाल दूँगा इस तरीके से। इधर इसकी जो स्टिक्स हैं वो गिर गई हैं, इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये देखें बटेर कितनी जल्दी से अंदर जाने की कर रही है, और इसको मैं अंदर से फैला देता हूँ ताकि ये जो है बाहर ना निकले। ये देख फ्रेंड्स, तो अंदर से कुछ इस तरीके से बना है, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और डूंगा कर देता हूँ इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो थोड़ी सी और डाल देते हैं अंदर, यहाँ से भी बंद कर देते हैं हम। तो इसकी कोई कोने में हम जो है ना जगह बनाए थे ताकि वहाँ पे जाके अंडे दिया करें अपने, ये देखें ज़रा माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स ये मेरा इसके पाँव लग गया, तो ये गुस्सा हो गया मुझसे, उड़ गई है। तो आपको दूर से व्यू कराता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से चेक करें आप, और बजीज सारे यहीं पे आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये जो मैंने नेस्ट तैयार किया है इनका ये किस तरीके से लगा आपको। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरीके से बनवा सकते हैं, बड़ा ही आसान है। और थोड़ी सी घास मैं इसके ऊपर ऊपर भी डाल देता हूँ ताकि फुल जिसको जंगल वाला माहौल लगे। ये देखें किस तरीके से अंदर घुस रही है, ये देखें यही माहौल जो है ना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें सारे के सारे बजीज़ मेरे डब नेस्ट लेने के लिए आ गई हैं, क्योंकि अब ये ब्रीडिंग सीज़न इनका शुरू हो रहा है,
वहाँ पे नेस्ट बना रहे हैं अपना। तो चलें इसको नेस्ट को उठा के थोड़ा सा वहाँ पे भी रख देते हैं। एक बार फिर बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। दो ईंटें रख के इस तरीके से चारों तरफ से आप बना सकते हैं। इस तरीके से मैं रखूँगा ये देखें ज़रा, ताकि जो है ना फुल मच्छा माहौल जो है ना इनका बन जाए ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, ये देखें ये देखें, फीमेल कोयल जो है अंदर से भी होके आ गई है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया। थोड़ा सा आगे आगे डाल देते हैं। ये देखें फ्रेंड माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और आगे आगे भी मैंने थोड़ी थोड़ी घास डाल दी है ताकि फुल जंगल वाला माहौल बन जाए। और परिंदे काफ़ी खुश हो गए मेरे, देखें। तो ये जो बाकी घास बची है ये वाली, ये हम अपनी फिंच को डाल देते हैं ताकि वो भी जो है नेस्टिंग करें। इतनी बहुत है। ये देखें, ठीक है, इनको भी मैंने नेस्ट डाल दिया। और माशाल्लाह आप चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह पूरा का पूरा हमारा फीमेल का जो पेयर है माशाल्लाह अंदर चला गया और अंदर जाके बैठ गई है फीमेल। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा इस तरीके से दोनों अंदर जाके बैठ गए हैं। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे ये अपने अंडे दिया करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ब्यूटी बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो को पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।